दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार को शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही महाराष्ट्र और आप शासित पंजाब में भी विपक्षी दलों ने शराब नीति में सीबीआई जांच की मांग की। पंजाब में अभी तक शराब नीति में किसी तरह की घोटाले की बात सामने नहीं आई। हालांकि विपक्षी दलों का आरोप है कि पंजाब की 2022-23 की आबकारी नीति दिल्ली के समान ही है, जिसे मनीष सिसोदिया और उनकी टीम ने ड्रॉप की थी। शिरोमणि अकाली दल के महासचिव दलजीत चीमा ने कहा है कि दिल्ली में मनीष सिसोदिया पकड़े गए हैं, ऐसे में इसका असर पंजाब में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पंजाब में भी शराब नीति का मसौदा उन्हीं लोगों द्वारा तैयार किया गया है। सीबीआई पंजाब में पहले भी छापेमारी कर चुकी है, ऐसे में अगर जांच एजेंसी जांच का दायरा बढ़ाती है तो गड़बड़ी का खुलासा हो सकता है। वहीं जब मीडिया रिपोर्ट्स ने पंजाब और दिल्ली की शराब नीति की तुलना की गई तो इसमें कई समानताएं मिली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद इसकी पुष्टि की थी। उन्होंने ट्विटर पर कहा था कि जिस आबकारी नीति की दिल्ली में अनुमति नहीं थी वे पंजाब में कमाल कर रही है। पंजाब कैबिनेट ने जून 2022 में नई आबकारी नीति 2022-23 को मंजूरी दी थी। इसे लेकर विवाद हुआ था। नई नीति का कई शराब व्यापारियों ने विरोध भी किया। शराब व्यापारियों का कहना था कि राज्य सरकार बड़े खिलाड़ियों के अनुकूल नीति बनाकर शराब कारोबार पर एकाधिकार करने की कोशिश कर रही है। वहीं सूत्रों का मानना है कि पंजाब सरकार ने अपनी वेबसाइट पर एक लाइसेंस रिन्यूअल फॉर्म अपलोड किया था, जिसे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सोमवार को हटा दिया गया। अधिकारियों ने बाद में कहा कि फॉर्म में सुधार किया जा रहा है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।